और बोलो। रेलवे स्टेशन आ गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। कैसा जा रहा है रमज़ान शरीफ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर रहा है। आधे रोज़े गुजर गए हैं तो बाकी पीछे थोड़े आधे रह गए हैं। अच्छा जी, हम रमज़ान शरीफ का ये सफ़र था हमारा फैसलाबाद का, मैंने कहा आपको दिखाऊँ। ये हम फैसलाबाद इंटर हो गए। तो फैसलाबाद ये मेरे कज़न हैं, इनके आगे से दोस्त हैं, उनको मिलने के लिए वो इंग्लैंड से आए हैं, तो बाकी इधर ही कारोबार है उनका, विज़िट करते हैं। ये जी हम पहुंच आए हैं फैसलाबाद रेलवे रेलवे स्टेशन है हम। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ये नुमान भाई जान है मेरे साथ, ये भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये साथ आसम भाई आए हैं। हाँ जी आसम भाई, कैसे हैं? कैसा रहा सफर? ठीक रहे? क्लास और क्लास। अच्छा ये क्या इन्होंने लगाया हुआ है भजन? ये ट्रेन है, पुराना इंजन है, कोयले से जो चलती थी ना उसका इंजन है। चलो ठीक। ये हमारे चोई साहब हैं। हाँ जी चोई साहब, आगे कोयले वाला स्टेशन से दस है जैसे इंजन स्टेशन ही इंजन है। फिर हम वेट कर रहे थे, वो मेरे कज़न का दोस्त जो से आ रहे थे भाईजान, उनका वेट कर रहे थे, वो आ गए हैं, तो अब उनके साथ हम जा रहे हैं। ये पुराना स्टेडियम है जो सा, उधर से गुज़र रहे थे हम। ये आ गए हैं जी हम, काशिफ भाई, ये थे काशिफ भाई, तो ये तनवीर भाई हैं। ये जी बड़ा प्यारा ऑफिस है इनका बना, आदम वाले, आदम इनके कंपनी का नाम है। ये इनके ऑफिस बैठे हुए हैं, तो ये काशिफ भाई ने ये चेक चेक करवाया तनवीर भाई ने। ये चीज़ बनती है इनकी जो सा ना, पाइप फिटिंग का काम है सारा, ये सारी पाइप वगैरह इधर बनते हैं हर किस्म के। तो ये हम चेक करने आए थे इधर, तो विज़िट कर रहे हैं। ये एल्बो वगैरह हैं, सॉकेट एल्बो वगैरह, आजकल यही चलते हैं पीसीबी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ये देखें जी, ये दो तीन किस्म के होते हैं, अच्छी क्वालिटी भी होती है, थोड़ा इसमें लो क्लास भी होती है, क्लासें होती हैं। ये नुमान भाई चेक कर रहे हैं साथ हमारे जो से। अच्छा जी, ये काशिफ भाई के कज़न की तनवीर भाई की गाड़ियाँ हैं। ये दो डाले खड़े हैं, ये फोर्ड का डाला है, ये अमेरिका से मंगवाया है, बड़ा स्पेशल जनाब, ये बहुत बड़ा ही डाला है जी, बहुत बला है ये तो पूरी। साथ दूसरा भी डाला आया था। अच्छा जी, ये अभी तनवीर भाई और काशिफ भाई हमें लेकर जा रहे हैं बाहर आउट साइड पे, थोड़ा विज़िट करना था वो बाथों के लिए, टाइलें वगैरह घर के लिए ना, मार्बल वगैरह चेक करनी थी। ये भी हम जा रहे हैं, तो ये पहुँचे हैं जी पाकिस्तान, मार्बल वाले हैं कोई, उनके पास आए हैं फैसलाबाद। ये चेक करते हैं अभी इधर, आप लोग देखें साथ विज़िट करें, बड़े बड़े अच्छे बाथरूम हैं बने हुए, सेटअप टाइल वगैरह नए लेटेस्ट हैं आजकल, नए नए डिज़ाइन के हैं। मैंने कहा थोड़ा व्लॉग्स बना लें, आप लोग भी चेक कर लें, ज़रूरत पड़े तो ये पाकिस्तान एंड टाइल वो मार्बल वाले इनके पास जाएं, फैसलाबाद तो बड़े अच्छे हैं इनके पास डिज़ाइन। ये तनवीर भाई और काशिफ भाई हमें चेक करवा रहे हैं, विज़िट करवा रहे हैं, ये देखें सारे।
जैसे ये देखें, ये भी सेटअप आजकल चल रहे हैं इस तरह की लोकेशन के, ये आपको ढांचा दिखा रहे होते हैं, ये आजकल टप वगैरह चल रहे हैं, ये भी मैंने कहा आपको दिखा दें, ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, ये भी एक चीज़ है। बड़ा अच्छा डिस्प्ले लगाया होता है, ये देखें, ये भी चेक करें आप। अच्छा जी, ये हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे थे तो अब नीचे आ रहे हैं। देखें कितना माशाल्लाह, ये मस्जिद के लिए भी इन्होंने बड़ा अच्छा एक रूम बनाया हुआ, उधर चीज़ें लगी हुई मस्जिद में लगानी हो कोई, बड़ी अच्छी टाइल वगैरह। अच्छा जी, ये हम बाहर आ गए, आप जा रहे हैं थोड़ा, पता नहीं कौन सी साइड पर आपको दिखाते हैं। तो बड़ा प्यारा ये फैसलाबाद देखें, तो ये जुहेब भाई आगे बैठे हुए थे, साथ नवीर भाई ड्राइव कर रहे थे, ये काशिफ भाई हैं साथ, तो मैं और साथ नमान भाई, वो पीछे आसम भाई बैठे हुए हैं। ये जी हम डिफरेंट शॉप पे आ गए हैं, इधर भी चेक कर रहे हैं, किचन वगैरह बड़े प्यारे अच्छे बने हुए हैं आजकल, ये डिज़ाइन ये इस तरह स्टाइल चल रहे हैं। अच्छा जी, ये इधर वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे, थोड़ा सेलेक्ट कर रहे थे चीज़ें। अच्छा जी, आप इधर से हम बाहर निकले हैं, ये जुहेब भाई और काशिफ भाई, ये जी हम अब दूसरी साइड पे आए हैं, इनकी ये टाउन है, इनका फाइन महल, फाइन नाम है फैसलाबाद, बड़ा अच्छा टाउन इन्होंने बनाया है, ये भी विज़िट किया हमने, ये इनका अपना टाउन, ये देखें लोकेशन, इसकी गेट है, ये मेन एंट्रेंस है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये हम आए हैं इनके, ये साइड है डेरा टाइप ना बनाया होता है, बड़ा प्यारा इन्होंने सेटअप, ये गार्डन वगैरह पीछे बड़ा प्यारा है, हिरन भी रखी हुई है बड़ी प्यारी है इनके पास, ये हैं जी डॉग्स इन्होंने रखे हुए हैं तनवीर भाई ने, बड़े प्यारे हैं ये भी। अच्छा जी, अब हम इधर से निकलने लगे हैं, ये गार्डन देखें कितना प्यारा है, साथ आपको फैक्ट्री भी दिखाते हैं जिधर पैप वगैरह ये तैयार होते हैं, प्लम्बरिंग का जो सामान होता है ना वो सारे। ये देखें जी,
बड़ा प्यारा ये सेटअप बना हुआ था। अच्छा जी, ये जिधर एल्बो वगैरह तैयार होती है, ये देखें, ये फैक्ट्री है साथ इनकी, आदम जी जो सी फैक्ट्री है ना, वो ये एल्बो पाइप सॉकेट सब कुछ जो सी है ना, ये बड़ी एल्बो जो सी है, बड़े पैप होते हैं, ये किस तरह तैयार होते हैं वो भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये मॉनिटर कर रहे हैं, अभी ये एल्बो तैयार होकर बाहर आने लगी है। ये जी देखें, वो सामने एल्बो तैयार हो गई है, ये बाहर आने लगी है। ये जी भाईजान, ये एल्बो लेकर बाहर आ रहे हैं, ये एल्बो तैयार हो जाती है, ये देखें ये चीज़ तैयार हो गई है मशीन से बाहर। अच्छा जी, ये साथ ही दूसरा ये भी पाइप आपको, ये जैसे ये देखें ये पाइप तैयार होता है, ये जो सा आजकल चलता है ये पाइप, ये चीज़, ये पानी है, पीछे से गर्म आता है, आगे पानी होता है, पानी से भी ठंडा होता है, फिर आगे बाहर निकलता जाता है। कैसा निज़ाम बनाया हुआ है जी, फैक्ट्रियाँ होती हैं, ये चीज़ होती है सारी, ये देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है इधर। ये डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, अभी तो और भी बहुत थे, हमने थोड़ा सा अभी देखा है, देखे ज़्यादा हैं पर वीडियो मैंने शॉर्ट ही बनाई है थोड़ी सी। ये गर्म होता है इधर से, ये पीछे सारा गर्म आता है, ये मटेरियल यूज़ करते हैं, ये देखें ये मटेरियल डालते हैं तो ये यूज़ होता है इनमें। तो काफ़ी आवाज़ बहुत काफ़ी थी इधर, समझ नहीं थी आ रही मशीनों की ना, इसलिए मैंने कह चले आवाज़ बंद थी तो अपनी आवाज़ मैंने रिकॉर्डिंग की। अच्छा, ये तनवीर भाई बाहर खड़े हैं तो हम जा रहे हैं तनवीर भाई के पास, वो फिर आगे लेकर जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। ये दूसरी फैक्ट्री है, दूसरा डिपार्टमेंट साइड पे, साथ ही जोर में पर गाड़ी पे जाना पड़ता है। इधर सारी ये टैंकी तैयार होती हैं, ये देखें कितनी, ये इनका नाम है फैसल, फैसल वाली हैं और आदम जी टैंकी हैं, एक ग्रीन वाली आदम जी हैं तो ब्लू वाली जो उनसे फैसल वाली, ये इनकी फैक्ट्री देखें, इधर सारी ये टैंकी तैयार होती है, वाटर टैंक जिसको बोलते हैं। ये अंदर जा रहे हैं हम, ये है जी ये देखें वाटर टैंक, ये हर किस्म के होते हैं साइज में ना, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, ये सिस्टम है सारा जी। ये फैसल, ये तनवीर भाई ने हमें विजिट करवाया, बड़ा अच्छा लगा है हमें, तो बहुत ही हमें इन्होंने टाइम दिया पूरा दिन में, ज़बरदस्त, नहीं तो कोई बंदा टाइम देता नहीं है इतना टाइम। हम सुबह 9 बजे पहुँचे, 9 से लेकर ये इन्होंने हमें रात 9 बजे तक टाइम दिया, 12 घंटे हमें दिए, तो काफ़ी विज़िट करवाया। अभी ये इफ्तारी का टाइम हो गया था तो ये रेस्टोरेंट है, इधर लेकर आए थे हमें, तो इधर इफ्तारी का टाइम था, रफ्तारी का आर्डर दे रहे हैं तनवीर भाई, थैंक यू सो मच तनवीर भाई का, खाना बहुत मज़े का था, तो काफ़ी इन्होंने हमें विज़िट करवाया, सारा घुमाया, हमें टाइम दिया है, तो काशिफ भाई का भी थैंक यू, ये इनके दो कज़न हैं तनवीर भाई, तो काशिफ भाई हमारे कज़न के दोस्त हैं, जुहेब के मेरे कज़न हैं जुहेब चौधरी जुहेब। ये जी अफ्तार का आ गया हमारा, ठीक है, खजूर माशाल्लाह देखें खजूर कितनी प्यारी लग रही,
ये साथ स्टार्टर आया है इफ्तारी के लिए, तो इफ्तारी का भी ना बहुत मज़ा आया था। खाते तो रहते हैं हर जगह का, बहरहाल हर अपनी अपनी जगह का मज़ा होता है, टेस्ट होता है खाने का। ये भी डिफरेंट चीज़ें थी, थोड़ी थोड़ी बहुत ही मज़े की थी, काफ़ी मज़ा आया। साथ ये दूध और जमाशीरी था बना हुआ है, या साथ स्टीम आ गए, काफ़ी मज़ा आया जी। स्टेट पता है अफ्तारी टाइम इतना खाने तो नहीं होता, फुल हो जाता है, पानी की प्यास होती है ज़्यादातर। ये राइस वगैरह, ये चीज़ पता नहीं क्या बनी हुई थी, मुझे नाम नहीं आ रहा, बहुत ही मज़े की थी ये भी। साथ ये छोटा गोश्त बहुत ही मज़े का कढ़ाई थी। साथ ये था जनाब, इसका तो और ही नज़ारा था, मज़ा था। ये एंड पे पिया, काफ़ी मज़ा आया। चलें जी, ये अफ्तारी करके खाना शाना खा के अब वापस आ रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, तो गाड़ी में बैठेंगे तो फिर थोड़ी देर इनके पास जाएंगे उधर ही दफ्तर में। ये देखें खूबसूरती कितनी प्यारी है, लाइटिंग वगैरह, वो वाइट कलर की गाड़ी है प्राडो, उसमें बैठने लगे हैं। ये बैठ रहे हैं जी हम भाई सब। अब हम इधर से जाएंगे कंपनी में, आ गए हैं तो साथ ही ये ट्राई लेंगे आज फोर्ड डाले की, जो से ये अमेरिकन, तो ये हम जा रहे हैं थोड़ा ट्राई लें, थोड़ा इसका जूटा ले लें कैसा है। ये लेफ्ट हैंड पे है, तो मज़ा बड़ा है इसका भी, बहुत मज़ा आता है चलाने का भी, और बैठ के भी, जो से साथ भी बैठा हो तो वो ये स्पीड में हो तो पता ही नहीं चलता, ये तो भाई जहाज में जैसे बैठे हुए। ये जी बाहर आ गए, टर्बो ऑन हो है। टर्बो ना है मतलब जिन्नी स्पीड काफी मजा आया जी इस पे। ये चीज़ बला है, ये बड़ी बलाव है, के खूबसूरत बड़ा लगता है। ये देखें, ये हम बीच में बैठे हुए थे, सॉरी ये लाइट पड़ रही है, थोड़ा याद नहीं, लाइट बंद की आसम भाई ने। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए हैं जी, ये थोड़ा विजिट करवाने आ गए हैं, क्या नाम है, काशिफ भाई, बाजार का, ये को मार्केट है, पता नहीं कौन से बाजार में गाड़ी ले गए हैं, हमें नहीं पता। फिर थोड़ा सा घंटाकार भी देखा है, वो भी साथ आएगी वीडियो आपके पास। ये इधर बता रहे थे कोई इधर, ये इनका पुराना घर था, अभी भी है इनके पास, ये है जी घंटाकार। ये हम उधर से निकले हैं, ये सामने घंटाकार आ गए, फैसलाबाद घंटाकार है ये, 8 बाजार कहते हैं लगते हैं इधर से। ये आप दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, इधर भी काफ़ी मोबाइलों वाली शॉपें हैं, काफ़ी मज़ा है।
अच्छा ये पता नहीं क्या चीज़ है, बड़ी ये बड़ी मशहूर कोई जगह है तो चीज़ें ये इधर से बड़े लोग लेते हैं, सेवियाँ जी हैं ये लोग बहुत लेते हैं खाते हैं, बड़ा कहते हैं बिजी हो जाता है, ये सारा कोई ऑर्डर लगा हुआ है। अच्छा जी उसके बाद ये हमने फलूदा खाया तो काफ़ी मज़े का था, ये भी टेस्ट ठीक था। ये आसम भाई भी खा रहे हैं, काफ़ी बड़े पे ये बोल थे तो मैं और ज़ुबैर भाई एक में बोल में खाया है, काफ़ी मज़े का था। जी जी हम वापस आ गए हैं आदम जी कंपनी में, इधर काफ़ी तनवीर भाई ने तैयार करवाई है, बहुत ही मज़े की काशिफ भाई ने, ये काफ़ी है, काफ़ी मज़े की थी टेस्ट थी।